मेरे जीते जी मेरी पत्नी को कोई छू भी नहीं सकता। So you stay away from my wife. And you stay away from my family. Sorry, इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें थोड़ा तू रही बाहर मीडिया। अगर मीडिया ने आपको इस तरीके से देख लिया ना तो पुलिस की वर्दी पे एक और दाग लग जाएगा कि पुलिस आम इंसान के साथ कितनी बदतमीजी से व्यवहार करती है। मैं यहाँ पे आपकी मदद करने आई थी, आपको बताने आई थी कि मेरे पति राघव जिंदल जिंदा। Unbelievable. राघव जिंदल के बारे में आपका क्या कहना है मैम? मैंने आप सब लोगों को ये बताने के लिए बुलाया कि सिर्फ पुलिस ही पब्लिक की हेल्प नहीं करती, कभी कभी आम पब्लिक भी पुलिस की हेल्प कर सकती है। मैं राघव जिंदल यानी कि मेरे हस्बैंड के केस में पुलिस की पूरी मदद कर रही हूँ, उनके साथ खड़ी हूँ। इसलिए आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो कोई भी मेरे हस्बैंड को ढूंढेगा या उनके बारे में कोई भी न्यूज लाएगा उसको 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। 10 करोड़? और जिसको भी उनके बारे में न्यूज मिलती है वो सीधा डीसीपी अविनाश जी के मोबाइल पे अपडेट कर सकते हैं। पागल हो गए क्या? मेरा पर्सनल नंबर प्रेस को क्यों दे रहे हो? ताकि अगर राघव जिंदल मिले तो उसका क्रेडिट आपको जाए। सिया ने पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब करके रख दिया। फोन कॉल्स नहीं उठाएंगे तो फॉरगेट अबाउट सिया। इसने मुंह खोला के नहीं, अपन किस मिट्टी का बना? मुंह नहीं खोल रहा है, प्रभु प्रभु किए तो मुंह खुला उससे। चमड़ी ठंडी कर दी है उदय को, अगर चाहिए तो जो करना है करो, लेकिन मैं इससे सच जानना चाहता हूँ। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। ये तो समझ जाएंगे सर, पर आप नहीं समझ रहे हो। आप सिया से कभी नहीं जीत सकते। जब औरत की आत्मा भीतर तक जख्मी हो जाती है ना सर, तो फिर उसे कुछ पाने का, कुछ खोने का सब डर खत्म हो जाते हैं। और जब किसी के ये दोनों डर खत्म हो जाते हैं ना सर, तो फिर वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। तो समझिए और मुझे रिहा कर दीजिए यहाँ से। तिवारी आओ, 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 आओ